Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 3. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है. आज की क्लास में हम हिंदी में पार्ट 13 यूलिशिस और पॉलीफेमस, इस पार्ट के जो बाकी के प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे. जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने जो प्रश्न उत्तर थे उनको करना शुरू किया था, जिसमें हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 इन प्रश्नों को किया था. तो प्रश्न 1 क्या था, पाठ को समझे, सही उत्तर चुनकर राइट लगाओ. प्रश्न क, यूनान के सिपाही कैसे थे, तो हमने लिखा था यूनान के सिपाही बहादुर थे. इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर. फिर ख, युद्ध के बाद सैनिक किस रास्ते से अपने घर लौट रहे थे, सुरंग के रास्ते से, हवाई रास्ते से या फिर समुद्री रास्ते से, तो इसका सही उत्तर है समुद्री रास्ते से. और ग प्रश्न था कि यूलिसिस ने पॉलीफेमस को क्या पीने को दिया, तो इसका सही उत्तर था शरबत. उसके बाद प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. तो देखिए इस तरह से कुछ आपको काम करना था, ठीक है. यूनान के सिपाही कैसे थे, बहादुर. युद्ध के बाद सैनिक किस रास्ते से अपने घर लौट रहे थे, समुद्री रास्ते से. और यूलिसिस ने पॉलीफेमस को क्या पीने को दिया, तो इसका उत्तर हमने लिखा था शरबत. अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक प्रश्न क, यूलिसिस और उसके साथी घूमते घूमते कहाँ पहुंचे, तो उत्तर हमने लिखा था यूलिसिस और उसके साथी घूमते घूमते भटक कर किसी अन्य देश में पहुंच गए. उसके बाद ख, पॉलीफेमस ने चतुराई दिखाते हुए क्या कहा, तो इसका उत्तर हमने लिखा था कि पॉलीफेमस ने चतुराई दिखाते हुए यानी होशियारी दिखाते हुए यूलिसिस से कहा, तुमने मुझे मारा है लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठो. उसके बाद लिखित प्रश्न क, विशालकाय राक्षस दिखने में कैसे थे, तो इसका उत्तर हमने लिखा था कि विशालकाय राक्षस दिखने में बड़े भयानक थे, उनके माथे के ठीक बीच में एक आंख थी और उन्हें साइक्लॉप्स कहते थे. उसके बाद ख प्रश्न, पॉलीफेमस सैनिकों को क्या कर रहा था, ठीक है, जो पॉलीफेमस था वो सैनिकों का क्या कर रहा था, तो उत्तर था कि पॉलीफेमस हर रात 2 सैनिकों को मारकर खा जाता था. उसके बाद प्रश्न, यूलिसिस ने पॉलीफेमस के सोने के बाद क्या किया, तो इसका उत्तर हमने लिखा था कि यूलिसिस ने पॉलीफेमस के सोने के बाद एक लकड़ी लेकर उसकी आंख में घुसा दी, जिससे उसकी आंख फूट गई. और उसके बाद घ प्रश्न कि यूनानी सैनिक पॉलीफेमस की गुफा से कैसे बाहर निकले, तो हमने उत्तर लिखा था कि सभी यूनानी सैनिकों ने अपने आप को भेड़ों के पेट से बांध रखा था. अगली सुबह जब पॉलीफेमस ने अपनी भेड़ों को बाहर चढ़ने भेजा, तो भेड़ों के साथ साथ यूनानी सैनिक भी गुफा से बाहर निकल गए. ठीक है, तो ये पिछली क्लास में हमने ये प्रश्न किए थे और ये आपको अपनी कॉपी में करने थे. आशा करूंगी कि आपने काम समय पर किया होगा. अब आगे के जो प्रश्न है वो देखते हैं. तो प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दो. ठीक है, आपको हाँ और नहीं में उत्तर देना है. क्या है, यूलिसिस एक राजा था, यानी जो यूलिसिस था जिसने पॉलीफेमस की आंख फोड़ी थी, क्या वो एक राजा था, नहीं, वो क्या था, एक बहादुर सिपाही था. तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, यूलिसिस एक राजा था, नहीं. उसके बाद ख है, विशालकाय राक्षसों को साइक्लॉप्स कहते थे, यानी जो विशालकाय राक्षस थे क्या उनको साइक्लॉप्स कहते थे, तो ये बिल्कुल सही है, उन्हें क्या कहा जाता था, साइक्लॉप्स. तो हम लिखेंगे हाँ. उसके बाद ग है, साइक्लॉप्स के माथे के बीचों बीच एक आंख थी, तो हमने पढ़ा कि विशालकाय राक्षसों को साइक्लॉप्स कहते थे और उनके माथे के बीचों बीच में एक आंख थी, तो ये भी क्या है, हाँ, यहाँ पर लिख देंगे हाँ. उसके बाद ग है, पॉलीफेमस एक महान संत था, यानी जो पॉलीफेमस था क्या वो एक महान संत था, जब नहीं, हमने पाठ में पढ़ा था वो एक विशालकाय राक्षस था, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, कि जो पॉलीफेमस था वो एक महान संत नहीं था. उसके बाद ड है कि यूलिसिस ने अपना नाम कोई नहीं बताया, यानी जो यूलिसिस था उसने अपना नाम कोई नहीं बताया, तो हमने पढ़ा कि यूलिसिस जो था उसने अपना नाम कोई नहीं बताया था, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ. ठीक है, तो एक बार देखो फिर से, यूलिसिस एक राजा था, नहीं, विशालकाय राक्षसों को साइक्लॉप्स कहते थे, हाँ, साइक्लॉप्स के माथे के बीचों बीच एक आंख थी, हाँ,
पॉलिफेमस एक महान संत था? नहीं। और यूलिसिस ने अपना नाम कोई नहीं बताया? हाँ। अब उसके बाद प्रश्न चार। प्रश्न तीन आपको कॉपी में करना है। अब प्रश्न चार, कौन कैसा था मिलान करो। तो ये तो कौन है? यूलिसिस। ठीक है, ये कौन है? यूलिसिस। और ये कौन है? ये है पॉलीफेमस। ये कौन है? पॉलीफेमस। ये है यूलिसिस और ये है पॉलीफेमस। अब देखो, बुद्धिमान कौन था? ठीक है, जिसकी बुद्धि तेज थी, तो बुद्धिमान यूलिसिस था। तो यूलिसिस से क्या करेंगे? इसका मिलान। बहादुर। बहादुर कौन था? यूलिसिस था। तो यूलिसिस से बहादुर को क्या करेंगे? उसका मिलान करेंगे। विशालकाय। विशालकाय कौन था? जो बहुत बड़ा सारा था। विशालकाय था पॉलीफेमस। उसके बाद क्रूर कौन था? ठीक है, जो वह गुस्सा करता था और सैनिकों को मारता था, तो क्रूर था पॉलीफेमस। चतुर। चतुर कौन था? यूलिसिस। तो यूलिसिस को मिलाएंगे चतुर से। और मूर्ख कौन था? पॉलीफेमस। उसको मिलाएंगे किससे? मूर्ख से। अब देखो, मूर्ख मूर्ख कैसे था? पॉलीफेमस की यूलिसिस ने उसको जो शरबत दिया था पीने को, उसने वो शरबत भी पी लिया। और जब उसने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कोई नहीं बताया। ठीक है, तो ऐसा तो कोई नाम ही नहीं होता। तो वो चाहता तो उससे अब उसका असली नाम भी पूछ सकता था, पर उसने गौर नहीं किया, सिर्फ हंसा। इसलिए पॉलीफेमस क्या था? मूर्ख था। तो बहादुर कौन है? यूलिसिस। बुद्धिमान कौन है? यूलिसिस। विशालकाय है पॉलीफेमस। क्रूर है पॉलीफेमस। चतुर है यूलिसिस। और मूर्ख है पॉलीफेमस। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन। भाषा को समझे। प्रश्न एक, ठीक है, विलोम शब्द लिखो। भाषा को समझे में प्रश्न एक, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे शहर का होता है गांव, वैसे ही स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? स्वतंत्र का विलोम शब्द, बदसूरत का विलोम शब्द, पसंद का विलोम शब्द, बाहर का विलोम शब्द और सुबह का विलोम शब्द। तो देखो, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? जो आजाद है वो स्वतंत्र, और जो कैद है उसे बोलते हैं परतंत्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परतंत्र। जो आजाद है वो स्वतंत्र, और जो बंद है, कैद है, उसे हम कहते हैं परतंत्र। उसके बाद है बदसूरत। बदसूरत का क्या हो जाएगा? खूबसूरत। जो सुंदर दिखे उसे क्या कहते हैं? खूबसूरत। और जो सुंदर ना दिखे उसे क्या कहते हैं? बदसूरत। उसके बाद है पसंद। पसंद का क्या हो जाएगा? नापसंद। कोई चीज पसंद है तो हम बोलते हैं पसंद, कोई चीज पसंद नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं? ये चीज हमें नापसंद है। इसको क्या लिखेंगे? नापसंद। उसके बाद बाहर। तो बाहर का क्या होता है? भीतर। बाहर मैंने बाहर, भीतर मैंने अंदर, इसका हो जाएगा भीतर। उसके बाद है सुबह। तो सुबह का विलोम शब्द होता है शाम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शाम, सुबह का शाम। तो इस तरह से ये विलोम शब्द हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब उसके बाद प्रश्न दो। ठीक है, प्रश्न दो क्या है देखते हैं। दिए गए शब्दों के अनेक अर्थ समझकर लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको अर्थ समझकर लिखने हैं। क है जग। तो जग देखो, अब शब्द एक है, उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कि जग, जग, जग यानी संसार, दुनिया, और एक जग यानी एक बर्तन। वैसे ही अंक और अंक, पर, उत्तर, उत्तर। ठीक है, एक शब्द पर इसके अर्थ कितने हैं? दो। ठीक है, सुनने में भले एक जैसे लगते हो पर अर्थ क्या है? अलग अलग। तो अब देखो, पर जैसे कि जग एक संसार होता है यानी दुनिया, और एक जग होता है एक बर्तन। ठीक है, जैसे पीने पानी का जग। अब वैसे ही है पर और पर, तो एक पर का अर्थ होता है पंख। एक पर का अर्थ क्या होता है? पंख। और एक पर का अर्थ होता है लेकिन। जैसे हम बोलते हैं चिड़िया के पर होते हैं यानी कि पंख होते हैं,
और ऐसे जब हम कोई वाक्य यूज करते हैं कि पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो उसमें पर का अर्थ क्या होता है? लेकिन। उसके बाद ग है अंक और अंग, ठीक है। तो एक अंक का अर्थ होता है गोद, ठीक है। जो गोद होती है उसको हम अंक भी बोलते हैं, और एक अंक होता है संख्या यानी नंबर, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, इन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं? अंक या संख्या। इंग्लिश में तो नंबर बोलते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? अंक। उसके बाद घ है उत्तर और उत्तर। तो एक उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा का नाम, जैसे उत्तर दिशा, एक दिशा का नाम। एक दिशा का नाम। और एक उत्तर होता है जवाब, आंसर, ठीक है। जैसे आप प्रश्न का उत्तर देते हो, तो जग यानी संसार और जग यानी एक बर्तन। फिर है पर और पर। एक पर का अर्थ होता है पंख, एक पर का अर्थ होता है लेकिन। उसके बाद ग है अंक और अंक। तो एक अंक का अर्थ होता है गोद और एक अंक का अर्थ होता है संख्या। उसके बाद घ है उत्तर और उत्तर। तो एक उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा का नाम और एक उत्तर का अर्थ होता है जवाब, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज की क्लास में हम इतने प्रश्न करेंगे, 4 प्रश्न हमने किए हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने प्रश्न 3 हाँ या नहीं में उत्तर दो ये प्रश्न किया कि युलिशिस एक राजा था जिसका उत्तर है नहीं। विशालकाय राक्षसों को साइक्लॉप्स कहते थे, तो इसका उत्तर होगा हाँ। साइक्लॉप्स के माथे के बीचों बीच एक आंख थी, तो इसका सही जवाब है हाँ। पॉलीफेमस एक महान संत था, तो इसका उत्तर होगा नहीं। और यूलिसिस ने अपना नाम कोई नहीं बताया, तो क्योंकि हाँ यूलिसिस जो था उसने अपना नाम कोई नहीं बताया था, तो ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए हम लिखेंगे हाँ। उसके बाद प्रश्न 4 कौन कैसा था मिलान, तो यूलिशिस जो था वो क्या था? बुद्धिमान, बहादुर और चतुर, जबकि पॉलीफेमस था विशालकाय, क्रूर और मूर्ख, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको सिर्फ किताब में ही करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये मैं लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ किताब में ही करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है भाषा को समझे प्रश्न 1, विलोम शब्द लिखो। शहर का विलोम शब्द होता है गांव। उसके बाद है स्वतंत्र, स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है परतंत्र। फिर है बदसूरत, बदसूरत का अर्थ होता है खूबसूरत। का विलोम शब्द क्या होगा? बदसूरत का विलोम शब्द खूबसूरत। पसंद का विलोम शब्द होता है नापसंद। बाहर का विलोम शब्द होता है भीतर। और सुबह का विलोम शब्द होता है शाम। उसके बाद दूसरा है दिए गए शब्दों के अनेक अर्थ समझ कर लिखो। जग, जग का अर्थ होता है संसार और एक जग का अर्थ होता है एक बर्तन। फिर है पर और पर। एक पर का अर्थ होता है पंख और एक पर का अर्थ होता है लेकिन। उसके बाद है अंक और अंक। एक अंक का अर्थ होता है गोद और एक अंक का अर्थ होता है संख्या यानी नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है 1000, ये सब क्या है? नंबर्स है, अंक है, संख्या है। एक उत्तर का अर्थ होता है जवाब और एक उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा का नाम, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। किस तरह से करने हैं ये देख लो। सबसे पहले कक्षा कार्य लिखना है, फिर क्या करना है आपको, ये हाँ नहीं लिखना है, फिर भाषा को समझे ये हेडिंग डालनी है, विलोम शब्द लिखो जैसे शहर का गांव, बदसूरत का खूबसूरत, बाहर का भीतर, स्वतंत्र का परतंत्र, पसंद नापसंद, सुबह शाम। फिर प्रश्न 2 एक लाइन छोड़ करके लिखना है, दिए गए शब्दों के अनेक अर्थ समझ कर लिखो। जग संसार, जग एक बर्तन। फिर पर का पंख और पर यानी लेकिन। अंक अर्थ गोद भी होता है और अंक का अर्थ संख्या भी होता है। उत्तर एक दिशा का नाम और उत्तर जवाब होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 4 प्रश्न किए। आशा करूंगी कि जो प्रश्न आज मैंने आज आपको क्लास में करवाए आपको अच्छे से समझ आए होंगे और अपना काम भी समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो प्रश्न बच गए हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।